ये हेमन अमेरिका कितना चल गया भाई। सुनने से शायद आया कि अमेरिका 2 घंटे पीछे है, बट ये बाकी है थोड़ा बहुत सैड तो बंदा होता ही है कि हाँ जी। तो मित्र यार टाइटल थंबनेल देख के तो थोड़ा शौक हो गया कि हेमन अमेरिका कितना चल गया। नहीं जी हेमन अमेरिका नहीं गया। आई नो थंबनेल मैं क्लिक बेट किया बट व्लॉग में आप नहीं करा जेडे तो नवे व्यूवर्स है अपना सब दसदा अगे वन पर चैनल कर सबसक्राइब तो अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब किंग मन चैनल। होपफुली सारे अपने घर वजह हो गया भरा भी ठीक ठाक है यार। मतलब कि अमेरिका कौन गया वा अपना एक वीर भरा ही गया वा तो वह भी तुम दस दें कौन गया वा। सू मित्रों अज के ब्लॉग में आप अमेरिका दिखावे अमेरिका आप तो जा नहीं सकते पर तुम अमेरिका इंडिया बैठे दिखावे अमृतसर के बैठे यार फॉरन अपना गया वीर भरा गुरनूर का। हम गल करते हैं कि गुरनूर बार किए गया तो सारे माइंड में क्वेश्चन जरूर होगा कि यार गुरनूर तो यार मेरा निके भरा वर्गा ही मतलब 9th क्लास ही सब तुम दस दिना वा वो पापा से बार पी आर अमेरिका। सो उन्होंने फाइल लाई है अपने करोना टाइम की मतलब कि ताडे विचों भी शायद आई थिंक कई पर्सन की फाइल लगी हो कई रिश्तेदार कई गवांढ़ी 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 भैन भरावान की करोना टाइम की फाइल लगी है तक जाके फाइल एक्सैप्टड नहीं हुई बाहर जाने की। तो फाइल करोना टाइम लगी तो हूँ जाके एक्सैप्ट हो जाएगा तो फिर वो विजी होनी सू बिना दस बाहर चल गए। तो मतलब कि यही गल नहीं कि दसिया नहीं कि मैं बाहर जाना या नहीं है मतलब दसिया कि मैं फॉरन जाना वा अमेरिका जाना वा इदा मतलब कि घूमने फिरन लिए नहीं मतलब हमेशा लिए तो चलो वधिया गल चल गया। तो बाकी ने लास्ट टाइम नियर कॉल की ही मैं जिम में आम इन्ना ज्यादा तो मतलब अज तो कुछ 10 दिन पहले की गल उन्होंने मैंने कॉल की कि हेमन थले आते बाहर घूमने फिरन चाहते कि छुट्टी लाने रात का टाइम 7-8 बजे का। तो मैं उन्होंने कहा मैं क्या गुरनूर नहीं मैं हूँ अब जिम ला लेंगे क्योंकि जो भी यार मुझे जाना ना तो जिम का तो छाट ही दो जिम तो कुछ नहीं लगती उठा खाई पीता वा सो करके मैं क्या मैं अज नहीं आना तो उदो मैं गया नहीं। तो उस तो बाद आप गुडिया ब्लॉग बनाते रहे करके तुम काफ़ी टाइम ब्लॉगों में दिखे क्योंकि आप बाहर फोटो शूटा लोग घट वाधी की गुडिया बनाते रहे डिमांड से करके फिर मिलन मुलन का काम होया नहीं। तो एकदम फिर मैसेज आया बहरों की फाइल लग गई एक्सैप्ट हो गई है तो फिर उन्होंने तैयारी तुरंत की फिर तुम पता जो हों रिश्तेदार होंगे घर दिन आने विद फैमिली है बहुत कला नहीं गया सो तो करके थोड़ा बहुत काम धंधा होंगे माइंड भी बड़े काम होंगे भी पहला की करना वा कि कपड़े लेने कि करना मतलब कि हमेशा ही बंदे बाहर जाना बाकी समझ लिया काफ़ी काम होंगे थोड़ा यार उदासी तो होंगी कि चलो अपना यार कर ही चलो यार ही कह लो निका भरा ही कह लो बाकी बाकी है थोड़ा बहुत सैड तो बंदा होंगे है कि यार जिद आप इन्ना घूमते फिरते हाँ कि आते जाने हाँ डेली शूट छाटते जाइए यार मतलब कि हूँ तो ला लो कि सिर्फ पुरानिया यादा ही रह गई जी यार। जो मैं यूट्यूब स्टार्ट किया ना मैं कुछ भी नहीं सोचा कि अपना पैसे अर्न कराँगा फेम लवागा जा नाम बनूँगा जा कुछ भी एनीथिंग वट एवर कर कुछ भी कह लो मैं चीज़ कभी नहीं सोची बस मैं सोचा ही कि एक मैमरी कैच हो अपन मतलब कि आप यूट्यूब वीडियो अपलोड करते हैं ब्लॉग अपलोड करते हैं मतलब कि समझ लो कि अपनी होल लाइफ तक मैमरी अपने को ही रहनी अपने कि नहीं जा सकती सो तार यार ब्लॉग शूट करते कि मैमरी कैच हो रहनी अपने को सो हूँ तो बस यार पुरानी यादा ही रह गई जो मतलब कि जो दिल करता है याद आती है तो वेखी दे पुराने ब्लॉग कि शूट से आते होंगे हाँ वो भी यार टाइम वधिया चलो एक ना एक दिन यार सब नू अपना अगे फ्यूचर देखना तो पैंदा ही है मतलब कि जिस दिन पहुंचा उस तो एक दिन बाद मैं कॉल की मैं यार तू दस के नहीं गया कहता टाइम टूम लगा इतना करके कॉल हो राती सो ता करके तो बाकी मैं क्या चल कोई चक्कर नहीं यार चलो जो हो वधिया ही हुंदा सो कोई चक्कर नहीं टेंशन नहीं लैनी प्यार अपना उदा ही जिदा भरावान अगे जो इतने ही चाहे बाहर चल गया पर जो फीलिंग एक अपने अंदर हुंदी आ जां किसे दे लई हुंदी आ वो फीलिंग बस दो जने समझदे आ चलो हूँ तो मेरी मतलब कि बह भी पीड़ होना भी ब्लॉग कर करके क्लिपा क्लिपा सेंड कर तो क्लिपा तुम आप अगे दिखाने ब्लॉग के अमेरिका का माहौल चाल कि अमेरिका में किमें का वैदर है तो किमें का रौनक मेला वा तो किमें का व्यू नेचर वगैरह सब कुछ क्लिपा मैं अच्छे सेंड कर दे रही हूँ क्योंकि हजे शाम पईआं वा बाहर तो उत्थे दिन चढ़ रहा वा मतलब कि सुनने से शायद आया कि अमेरिका 2 घंटे पिछे है बट बाकी मैं श्योर नहीं है कि दस्यो तो जो बाकी क्लिपा तुम अगर दिखाने सो देखियो इंजॉय करो तो बाकी जे तो यार तो गुरनूर आए ब्लॉग देख रहा वा तो आई मिस यू बस बाकी अंदर जो भी गल्लां बातां वा जां होर एक्सप्रेशन आ
शायद आई थिंक शायद कैमरे सामने शो नहीं हो रहे तो ना, मतलब कि जो मैं बोल रहा ना इतना गल्ला कर रहा ना बहुत सारे कैमरे देखा यार, पता नहीं क्यों, मतलब कि यहोजे गल्ला मैं एक्सप्रैस नहीं होंगी यार कैमरे सामने। बाकी चलो जो अपने अंदर है बस आप चलो जानता, चल यार खुश रह जिथे भी हाँ, तो जो कोई लौट पई या कोई चक्कर पैसा तो अपने भरा फोन ला देना वा, तेरा भरा दिंदा बाहर। बाकी एंड ऑफ डिस्कशन यार हर एक बंदे ने अपना फ्यूचर देखना ही पैंता वा, गल्लां बातें काफ़ी कर लिया वा। हूँ तुम अगे अमेरिका का व्यू देख के आओ, हजे तक तो वैसे मैं भी नहीं देखिया क्योंकि मेरे तो क्लिपा नहीं पहुंचिया, पर तुम देख के आओ मिनटा मिनट। अमेरिका तो तुम देख आए हो गए, इधर अंबरसर का माहौल चालू देख लो, विंटर स्टार्ट हो गया तो कहते धुंदा पैनिया भी स्टार्ट हो गया वा, राइट नाउ शामा दे साढ़े छे सत्त बज गए हैं, मतलब चलो अज तो फोग नहीं पई, उदा दो तीन दिन लगातार डेली पै रही है, सवेर तो लैके रात पै रही है, घरों निकलना रात तक कोई नहीं, इन्नी ठंड में रजाई छड़ के निकलना कितने लिए सौखा वा, मेरे लिए तो नहीं है, तुम दस्यो। बाकी मैं तो मजबूरी लिए निकलिया वा, पर मजबूरी भी अपने लिए आ, पिज़्ज़ा खाने का बड़ा दिल कर रहा है, सप्प डिगा वा डा जहा पिज़्ज़ा खाने का बड़ा दिल कर रहा वा, बट खाने का नहीं टेकअवे कर घर का खाने का, सो फस्ट तैयार ला फिर जाकर पिज़्ज़ा कराइए, दैन बाकी माहौल चाल तू अगे तो खाने धुंद माहौल चाल तो और कुछ नहीं आ, बहुत इंपोर्टेंट आ ठंड में सौ ग्लव्स भी लैने अपने हाथों की मत वजी आ, ब्लॉक करना भी सौखे नहीं ठंड में, यार पिज्जे इन्ने के ज्यादा गर्म जे ला भी नंदा शहरा ने हीटर लाए इन्ना के ज्यादा निघा है ना, तो बाहर में सारी रखी हूँ किह पंगा दस हूँ इन खड़ा कि यार दियो यार शिट मैन इन्ना ज्यादा ट्रैफिक फाटक बंद होना जो कितों तक ही लगा जो तो बड़ा बुरा हाल है पा ट्रैफिक दाता मैंने घरें भी छेती आना वा कि पिज्जे ठंडे ना हो जाना, तो उत्तों ट्रैफिक ने लेट करा देना वा, कोई नहीं अपने को शॉर्टकट है, साढ़े को शॉर्टकट है, बट फिर भी पार्क तक क्रॉस करना ही पैना, की करिए देख लो किन्ने पंगे लैने पैंदे आ एक ब्लॉगर नू ब्लॉग बनाने लई, ये चीज़ा अमेरिका जा कितने लभनिया तेन वैसे, और मैंने घरों ने मिनट बाद कहना चल कुछ खान चलीए चल कुछ कर चलीए, मतलब कि ना ही ठंड वेखनी ना ही गर्मी वेखनी, बस खान पीन निकल जाए जो मर्जी, तो चलो कोई चक्कर नहीं, एक अपना वीर भरा अमेरिका चल गया वा, एक बंदा न्यूजीलैंड तो आ रहा वा, हुण कौन आ रहा वा वो तुम आने वाले ब्लॉगों में पा लाजूगा, कुड़ी है कि मुंडा वा वो तुम आने वाले लोगों दसांगे, सो
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣਗੇ। ਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮਤਲਬ ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਸਕੂਲੋਂ ਐਂ ਜਸਟ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਾਏ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਠੰਡ ਲੱਗੀ, ਘਰੋਂ ਬਸ ਗਲਵਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹਾਲਗੜ੍ਹ ਕੰਮ ਆ ਪੂੰਡ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਅਚਾਨਕ ਤੁਰਿਆ ਡਿਆ ਰਾਹ 'ਚ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂੰਡ ਚੱਲਿਆ ਹਾਲਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਲੈਣ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਟੈਂਕੀ ਖਾਲੀ ਆ, ਟੈਂਕੀ ਇਹਦੀ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਆ ਲਈਏ। ਵਲੋਗ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਗ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਜਾਊਗੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫੜ ਫੂਨ, ਫੂਨ ਫੜ, ਤੂੰ ਫੜ ਲਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਧੱਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੱਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ। ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਯਾਰ, ਕੂੜਾ ਵੀ ਪਾ ਵੈਸੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ ਵੈਸੇ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਾ ਭਰਾਇਆ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੈੱਟ ਇੱਕ ਦੀ ਹੋਏ ਪਤਾ, ਚਲੋ ਨੈੱਟ ਵੀ ਸੀ ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਲਵਸ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੱਥਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਾਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇਖੀਏ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਠੀਕ ਆ, ਕੇਸ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਭਾਈ ਕੋਲ ਲਾਇਆ ਹੋਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਬਟ ਯਾਰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਕੇਸ, ਕਦੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਡਨ ਆ। ਕੇਸ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਟੋਮ ਮਣੀਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਚਲੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੋਨਸਨ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨੀ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈੱਡ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਰੈੱਡ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਾਫੀ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈਂਡੀ ਲੱਗਾ, ਸੋ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਡਨ। ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਆਇਆ 1000 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਓਰਿਜਨਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕਾਪੀ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੰਡੇ ਵਗੈਰਾ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹ, ਜੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਪਰਪਲ ਦੱਸੋ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਪਰਪਲ ਯਾਰ, ਯੂਨੀਕ ਜਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਪਰਪਲ ਦਾ ਵਾਈਟ ਦਾ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਹਾਂ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਕ ਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਵੇਖੀ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਲਾ ਕੇ, ਯਾਰ ਮਿੱਤਰੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਕੱਢਿਓ ਭੂੰਡ ਦੀ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੇ ਬੋਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਖੋ ਭੂੰਡ ਦੀ ਕੋਟੀ ਬੋਰ ਆਈ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਆਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਥੀ ਪਾਉਣ ਚੱਕ ਰਹੀ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਆਹ ਚੱਕ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਰੱਥੀ ਅਤੇ ਆਹ ਥੱਲੇ ਵੇਖੋ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੋਟੀਆਂ ਪਜਾਮੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੋਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਐਵੇਂ ਪਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਵੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵੇਂ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਦੋਂ ਪਾ ਕੇ ਰਜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂ ਕੰਬਲ ਵਿੱਚ ਬੈਡ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂ ਬੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਲੈਕ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਪਰਨੇ 'ਤੇ ਪਈ ਆ, ਪਰਨੇ 'ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੱਗ ਜੂ, ਪਰ ਪਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਪਰਨੇ ਨਾ ਪੱਗ ਨਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਬੈਡ ਸ਼ਰਟ 'ਤੇ ਪਜਾਮੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਬੋਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿੰਟਰ 'ਚ ਖਰੀਦਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਅੱਜ ਆ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਘਰੇ, ਜੇ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਖਾਈਏ, ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਿਮ